अब करने लगे हम एंट्री। टोपी पांच मेरे टोपी के डूबे दे यार को आ जा रहे इसमें। नहीं भैया बोल रहे थे गाइस काफी श्रद्धालु आ जा रहे हैं। और इसकी हालत तो खराब होने वाली है, साथ में ये मेरी भी करेगा। बाकी है गाइस छायाएं, ज्यादा टफ रास्ता तो नहीं लग रहा हमारे हिमाचल के लिए। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाती है। अब लेको की देख लिया आधे देखे कहीं नहीं देखे पहली बार गाइस पीछे काफी चढ़ाई थी, सांस फूल गई है मेरी नहीं इस बंदे की मेरी भी। और बाकी हम चले हुए हैं लेकिन बाकी से हम तेज ही हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये देखिए गाइस यहाँ लोग पानी से नहा रहे हैं। और बाकी इधर का व्यू देखिए आप, राही अगला वाली गल इतने भैया नहीं चुप गई है थल हुआ है। गाइस अभी लगे हम खाना खाने, जा करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। और बाकी लोग आ जा रहे हैं, आइया गाइस अभी चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र करते हैं। और देख लीजिए गाइस कितना सुंदर प्लेस है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। ये चढ़ाई आप देख सकते हैं कितनी डीप चढ़ाई है, ये देखिए गाइस नीचे की गहराई भी देख लीजिए। चलो भी बंदे बड़ी लंबी चढ़ाई है, चढ़ना तो एक ही पौनी है, कुन्नी धक्का लाना देखे हथे। चलिए यदा चुप करिए, गाइस आप व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, लेकिन चढ़ाई बहुत ज्यादा है। गाइस अगर किसी ने भी करेरी लेक में ट्रैकिंग करनी है या कहीं भी ट्रैकिंग करनी है तो सबसे पहले गाइस एक दो महीने रोज़ पैदल 10-15 किलोमीटर पैदल वॉक करें, उसके बाद ही आने की सोचें। तो गाइस काफ़ी बुरा हाल होता है, जो पैदल जरा भी नहीं चलते उनकी तो बहुत बुरी हालत हो सकती है। हम तो पहाड़ी लोग हैं,
हम क्या झोला जो उठा के चल पड़ते हैं, हमें थकावट कम होती है, लेकिन खास करके शहर वाले ध्यान रखें। गाइस करेरी लेक के पूरे ट्रैक पे नेटवर्क नहीं है, बस थोड़ा सा नेटवर्क है एक जगह पे आता है जहाँ पे, यहाँ देखो बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा 100 मीटर 10 मीटर में नेटवर्क होता है, तो आप जहाँ कहीं भी फ़ोन करना है किसी को, यहाँ पे बैठ के आप फ़ोन कर सकते हैं, यहीं पे नेटवर्क आएगा, बाकी आपको पूरे रास्ते कहीं नेटवर्क नहीं मिलेगा। गाइस ये देख सकते हैं आप, मैं कुप्ती ट्रैकिंग की थी एक बार, तो पूरा लोकेशन वैसी है। भाई साहब मिले हमें गोलुआ से, भाई यूट्यूब पर आई जाना ठीक है, तुम गाइस ये लोकेशन देख सकते हैं आप, काफी बढ़िया लोकेशन है, काफी ठंडक है यहाँ पे, और ये हमारे राही जी का जूता फट गया है, तो आप नए जूते डाल के आए। काफी बढ़िया व्यू है गाइस, गोलू तो लोकल मिल गया हमें। हाँ फोटो फोटो भैया, चल चल ये देखिए गाइस कैसे जोश में जा रहे हैं लड़के, हमारे पहाड़ी लड़कों की बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर जाना, गाइस हालत काफी खराब हो चुकी है, काफी किलोमीटर चली, 6-7 किलोमीटर पैदल आ गए हैं, अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ है, और थकान काफी हो चुकी है, और बाकी आप व्यू देख, व्यू तो काफी बढ़िया है गाइस, व्यू पे कोई शक नहीं है, जगह जगह लेक बने हुए नहाने के लिए, और काफी ठंड भी है गाइस, बाकी आप पानी की आवाज सुन सकते हो, और पत्थरों पे जाके होके चलना पड़ता है। ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हुए जा रहे हैं गाइस, अगर आप और भी जगह की लोकेशन देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हम डेली ट्रैवलिंग किया करेंगे, और आपको वीडियो लाते रहेंगे, और सब सपोर्ट करते रहिए। वो देखिए गाइस एक टेंट लगा हुआ है, और राही जी हमारे साथ हैं, इनकी तो वो पीछे चलते ही बुरा हाल हो गया था। गाइस अभी हो चुका है आधा रास्ता, ये पुलिस की निशानी है कि आधा कंप्लीट हो चुका है, बाकी पानी देख सकते हैं कितना साफ है।
गाइस काफी लंबा ट्रैक था कि अभी और भी है गाइस। लोगों ने टेंट लगाना शुरू कर दिए हैं, ये देखिए कला गाइस लगा हुआ। हमें 3 घंटे हुए ट्रैक करते हुए, अभी 1-1.5 घंटे का सफर बचा और हालत ख़राब हो चुकी है। कुछ लोग तो वापस चले जा रहे हैं, यहाँ थक जा रहे हैं, वहीं टेंट लगा रहे हैं। काफ़ी लंबा ट्रैक और काफ़ी दूर है, पीछे रह गया है, काफ़ी पीछे है, नहीं चला जा रहा उससे, उसकी हालत तो ख़राब हो गई है। चलो कहीं उस यहाँ बैठ के उसका वेट करते हैं। अभी टोटल गाइस ऐसा ही सारा रास्ता पत्थरों से, पत्थर पुत्थर ही हैं सारे, सोपड़ देख सकते हैं आप। लोगों ने अपने अपने टेंट लगाना शुरू कर दिए हैं और हम अभी पहुंचे हैं, बाकी आ रहे हैं, बाकी टेंट ऊपर लगाए हैं। हम भी अभी जगह ढूंढ रहे हैं टेंट लगाने की, हम भी आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे आपको पूरा। अभी गाइस देख सकते हैं हम पहुंच रहे हैं करेरी लेक। ये देख सकते हैं गाइस हर जगह टेंट टेंट लगाए हुए हैं, काफी ठंडक है। ये रहा गाइस करेरी लेक, अभी लेक ऊपर है, ऊपर से दिखाएंगे आपको। हम पहुंच चुके हैं, अब हम टेंट लगाने की जगह ढूंढेंगे, उसके बाद खाना पीना और रेस्ट। गाइस आप व्यू देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे घर के इतने पास इतनी सुंदर जगह हो सकती है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अभी हम टेंट लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं, देख कैमरा दे, कुछ तक कर लाउड नहीं, इतने कर आए थे वाला जी, लकड़ू बार मैं जाएंगा लाना भी जिंदगी के मजे। इट्स अ मोर ब्यूटीफुल देन विदाउट, सही बात है। ये तो उससे भी सुंदर है जितना हमने सोचा था, क्या बात है, यहाँ तो जन्नत है जन्नत। वादियों में क्या हसीन नजारा है, यहाँ तो मन खुश हो गया आके, हम बहुत तरोताजा फील कर रहे हैं यहाँ पे आके। नीचे हम थोड़ा थका थका फील कर रहे थे, वाह यार कितनी अच्छी हवा चलती है, वाह यार इतने टेंट लाने का मजा ही ना, क्या बात है, हवा का लुत्फ लीजिए। मसेर ओ लाए थे टेंट उपर, एक सीन गाइस देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये है पूरा प्रॉपर करेरी लेक।
वो तो आही गद्दी है मां चली जाना सारा क्यों रहा है ये गाइस टेंपल है करेरी लेक का, भोलेनाथ का मंदिर। अभी आ गया ऊपर नहीं। गाइस अभी टैगर को रास्ते में कुछ खाना बनाते हैं, बाकी ये करेरी लेक है पूरा ट्रैक आप विजिट कर सकते हैं। चलो